त्रिमूर्ति ताज मलंग बहुद्देशीय सेवा संस्था द्वारा जश्न सालगिरह का आयोजन सूरज सोम कुंवर ने किया था। त्रिमूर्ति ताज मलंग बहुद्देशीय सेवा संस्था द्वारा जश्न सालगिरह का आयोजन बुधवार को किया था। हजरत बाबा ताजुद्दीन इनके जन्मदिन के अवसर पर यह जश्न सालगिरह कव्वाली का आयोजन किया गया था, जिसमें सूफी हमसफर हयात निजामी इनकी खास पेशकश रखी गई थी। निजामी इन्होंने बाबा की एक से एक कव्वाली से उपस्थितियों का मन जीत लिया। हम सफर हयात निजामी यह बॉलीवुड की फिल्मों का आगामी गायक है। वह उस्ताद हयात निजामी के बेटे हैं, जो सिकंदरा घराने के प्रसिद्ध कवि और शास्त्रीय गायक है, जिनकी 700 साल की संगीत पृष्ठभूमि है। 2013 में हयात ने बॉलीवुड के गीत के साथ एक पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म मेरा खुदा आई डू लव यू, इसका संगीत अमन विंसन और अमित कासारिया द्वारा बनाया गया था। हमसफर का गायन भक्ति, शास्त्रीय और सूफी गीतों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सूफी भाइयों के साथ प्रदर्शन किया है और वे एक साथ सूफी ब्रदर्स के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई बड़े मंचों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। हमसफर हयात पहली बार नागपुर आए थे। उनके कव्वाली कार्यक्रम को शहर के नागरिकों द्वारा बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। इस कार्यक्रम को खास अतिथि के तौर पर रॉक स्टार पिंकी पारस भी उपस्थित थी, तो वही मुख्य अतिथि के रूप में गिरीश पांडव, विकास ठाकुर व अन्य मान्यवर उपस्थित थे। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।